हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हरी गैव मी ए पेन। हरी ने मुझे एक पेन दिया। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हरी हैज़ गिवन मी ए पेन, आई वॉज गिवन ए पेन बाई हरी, ए पेन वॉज गिवन टू मी बाई हरी, बोथ टू एंड थ्री। अब आपको फ्रेंड्स सोचना क्या है कि इसमें सेंटेंस में ये कौन सा टेंस है। पास्ट, पास्ट टेंस है, तो पास्ट में आपका ऑप्शन देखो गैव सेकंड फॉर्म है, पास्ट पास्ट है, तो पहला ऑप्शन हैज वाला तो ख़त्म हो गया। अब हैज वाला ख़त्म हो गया तो आपको ऑप्शन नंबर दो या तीन में से देखना है। ऑप्शन नंबर दो क्या है, मी का आई बना दिया, वॉज भी ठीक है, थर्ड फॉर्म भी ठीक है, ए पेन बाई हरी ये भी ठीक है। दूसरा ए पेन वॉज गिवन टू मी बाई हरी, ये देखो टू यहाँ छोड़ दिया, तो इसका मतलब बोथ टू एंड थ्री। आपका सही जवाब होगा बोथ टू एंड थ्री। कौन सा हो जाएगा आपका सही जवाब, बोथ टू एंड थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये गलत, ये भी आपका सही और ये भी आपका सही। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट है हमारा, ही टीचेज मी, ऑप्शन नंबर एक है इसमें, आई एम टॉट बाई हिम, आई एम टॉट टू हिम, ही इज टॉट बाई मी। पहली बिंदु आपको ध्यान रखने का है कि ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या होगा ही का हिम, तो मी वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे भी ख़त्म हो गया। अब इसमें हमें देखना है कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो कैसे बनता है। हम इसमें ये देखो, हमने सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट को हम लेके गए ही का ऑब्जेक्ट बनाया, तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट बनता है हमारे पास, न कि टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो टू प्लस ऑब्जेक्ट है ये गलत, और ये हमारे पास इसमें मी दिया हुआ था ये भी गलत और ये भी गलत। तो हमारा सही जवाब कौन सा हुआ, ए, ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है सी रेस्पेक्ट्स अस। तो देखो ये आपका सब्जेक्ट सी रेस्पेक्ट वर्ब और अस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास सही जवाब रेस्पेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सभी में आर आर ठीक बात है। देखो अस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी होता है, तो देखो में आपके पास देखोगे तो पहले ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है अस, इस अस का सब्जेक्ट अस नहीं हो सकता, ये गलत। अस भी नहीं हो सकता है, ये भी गलत। अस का सब्जेक्ट वी, केवल इसी से पता चल जाएगा ये हमारा करेक्ट। ये लो ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है दे डू नॉट ग्रो राइस। डू ग्रो और राइस, राइस मतलब चावल, चावल क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल, सिंगुलर होता है प्लूरल होता है सिंगुलर होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास इसमें फ्रेंड्स क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास इसमें है ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट राइस। इसका सब्जेक्ट राइस राइस राइस, तीनों में समान है। राइस एक वचन है तो आपको पता होना चाहिए आर वाला नहीं हो सकता है, ये आर वाला भी नहीं हो सकता है, ये इज वाला हो जाएगा, कुछ देखना ही नहीं है। और इस तरीके से हम इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं हम, और नेक्स्ट है व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। तो इसमें देखो डू आ रहा है तो इज एम आर आएगा, कन्फर्म है। तो पहली बात तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये गलत हो गया कि इसमें डिड नहीं हो सकता है। दूसरी बात आपके पास दिया हुआ है
वॉट इज़ वॉन्टेड बाई यू और वॉट आर वॉन्टेड बाई यू, क्योंकि वॉट डू यू वॉन्ट है इसमें फ्रेंड्स आपके पास देखने की बात ये है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब है वो हम सिंगुलर के लगाते हैं। तो हमारे पास सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, why do you tell a lie। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है why do you tell a lie, do आ गया तो फ्रेंड्स देखो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में पहली बात आपके पास ये आती है कि हम प्रश्नवाचक वाक्य है इसमें क्या करें। प्रश्नवाचक वाक्य में हमारे पास पहली बात आती है कि डू यू है तो ए लाई नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, वाई इज, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास फ्रेंड्स और वो है आई सेल्डम कीप हिम वेटिंग। तो देखो सेल्डम कीप कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर तो आ नहीं सकता, इज एम आर आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें वर्ब कौन से, कीप है मेन, तो कीप की थर्ड फॉर्म करेंगे तो देखो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। और जैसे हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में मिलता है फ्रेंड्स क्या मिलता है, ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन में मिलता है कि ये जो पहला है ये आपका गलत, दूसरा भी आपका गलत, तीसरा ही इज सेल्डम कैफ्ट, ये आपका पूरी तरह से ठीक और ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज थ्रू द बॉल। तो आपका पहला जवाब आता है थ्रू कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो इसमें आप देखो बिंग कब आएगा, बिंग जब आएगा जब आई एन जी है तो ये ऑप्शन ख़त्म, हैज़ आ ही नहीं सकता इसमें। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, सेकंड फॉर्म हो तो वो जोर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका, और ए ऑप्शन क्या है आपके पास, द बॉल वॉज, ये गलत और ये गलत, ये आपका हो गया। अगर आपके पास आई एन जी होता तब तो आपके पास ये बींग लगता, थर्ड फॉर्म होती तो बीन लगता, थर्ड फॉर्म होती क्या लगता, बीन लगती। लेकिन हमारे पास केवल यहाँ पर थ्रू कौन सी फॉर्म है फ्रेंड्स, ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ही कट ट्रीज है, कट्स नहीं है, कट का मतलब कट के तीनों फॉर्म सेम होती है। तो ये बताइए आपको प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, पास्ट सिंपल में आता है, पास्ट सिंपल में है तो क्या करें, वॉज वर थर्ड फॉर्म करनी है। अब देखो द ट्रीज कट, ये तो पैसिव है ही नहीं, द ट्रीज वर कट बाई हिम, ही बींग, फिर द ट्रीज बींग, तो इसमें तो वैसे टेंस के अकॉर्डिंग भी देखें तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, पास्ट में यही है, बींग बांग का कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, आई एन जी हो तो ही बींग आता है पैसिव में, ध्यान रखना, आई एन जी फॉर्म में एक्टिव लिखा हो तो पैसिव में बींग जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 पूरी तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डिड आ गए तो आपको समझना चाहिए वॉज वर आएगा, तो इसका मतलब है ही स्पीक टू यू, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके पास ये डिड वाला ऑप्शन तो कट गया। नीचे देखते हैं हमारे पास व्हाट वर स्पोकन, नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है,
क्योंकि व्हाट डिड ही स्पीक टू यू, तो आपके पास सीधा सा है, उसने तुम्हें क्या बोला, तो व्हाट वॉज स्पोकन, यानी ये हो सकता है टू यू तो पहले ऑब्जेक्ट था और ये आपके पास बाई हिम और लगा दिया, तो इसका मतलब ये स्पोकन के साथ वॉज आ जाएगा, सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो सिंगुलर बताया था मैंने। नेक्स्ट देखो, डेड से शुरू है, डेड से शुरू है तो वॉज वर्ब से शुरू होगा, डेड से शुरू हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, अब पास ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, बाई लगा के होना चाहिए, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में ही है बाई हिम, 2 में टू हिम है, 3 में क्या है बाई हिम है, तो ये हमारा ये भी करेक्ट जवाब हुआ, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है दे कैप्ट अस वेटिंग, तो हमारे पास क्या हुआ, दे कैप्ट अस वेटिंग में सबसे पहला काम है कि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इसमें हम जब देखते हैं सेंटेंस में तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या मिलता है, इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट मिला, और वो क्या मिला, इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट मिला अस, अस का हमने सब्जेक्ट बनाया वी। अब कैप्ट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो बॉज वर्ब लगाएंगे, तो देखो पहले में कैप्ट का कैप्ट है गलत, तीसरे में कैप्ट है, दूसरे में बॉज वर्ब में से आ रहा है, तो दूसरे में वर्ब, तो ये हमारा सही जवाब वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट है डिड द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स, तो डिड से आ रहा है तो बॉज वर्ब से शुरू होगा, क्लियर बात है। अब द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, द स्टूडेंट्स के साथ वॉज नहीं हो सकता, वर होगा, तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका ऑप्शन 1 या 2 ही सही है, 3 और 4 गलत हैं। अब देखो बाई द टीचर लगाना है 1 और आपका 2 में बाई द टीचर, बाई द टीचर भी ठीक है, हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ऑप्शन नंबर 1 में बींग दे रखा है, बींग नहीं आएगा, बींग तब आएगा जब आई एन जी हो, तो ये ऑप्शन नंबर 1 भी आपका गलत है, आपके पास केवल और केवल ऑप्शन बचा, और वो ऑप्शन नंबर क्या बचा, 2 नंबर ऑप्शन बचा, सही जवाब आपका 2 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, दे डिड नॉट प्रोक्लेम हिम किंग, तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास हिम है तो इसका सब्जेक्ट ही हो गया, और डिड यानी सिंपल पास्ट आए तो इससे अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी वॉज वर किस में, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, हटा दो, 2 में और 3 में है और 4 में है। अब देखो हमें क्या करना है, इससे हमने बना दिया वॉज नॉट थर्ड फॉर्म प्रोक्लेम्ड, उसके बाद में प्रोक्लेम्ड के बाद में हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ये किंग बचा हुआ था किंग का किंग, और बाई किस में लग के ऑब्जेक्ट लग रहा है, बाई देम नंबर 2 में नहीं है, ऑफ देम है, देम टू किंग ये 4 भी गलत, 2 भी गलत, पहले 1 पहले गलत था, बाई देम 3 नंबर में है, तो ये हमारा सही जवाब हुआ 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, विच पिक्चर डिड यू सी लास्ट नाइट, तो देखो डिड आ रहा है तो वॉज वर तो आएगा ही आएगा, अब देखो हमारे पास सिंपल सी बात है कि कौन सा ऑप्शन सेट होता है, विच पिक्चर का पिक्चर हो गया, डिड यू सी लास्ट नाइट तो ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ही है इसमें यू, तो इसमें डिड का वॉज वर होता है, थर्ड फॉर्म लगाओ, वॉज सीन किस में है, 1 नंबर में और किसी में नहीं है, वॉज सीन वॉज के बाद में पिक्चर दे दिया, पिक्चर कहाँ से आ गया, क्योंकि इसमें इस सेंटेंस में हम ही देखेंगे सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, सब्जेक्ट नहीं तो सीधा हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉल डिड नॉट हिट मी ऑन द हेड, अब हमारे पास देखो डिड नॉट आ रहा है, डिड नॉट आ रहा है इसका मतलब है हमारे पास वॉज वर नॉट आएगा पैसिव में, तो पैसिव में वॉज वर नॉट आएगा, लेकिन हम देखें कि किसका ऑब्जेक्ट क्या, हमारे पास मी है, मी का क्या बनाएं,
आई, तो आई कौन से में? ऑप्शन नंबर 2 और 3 में है। इसका मतलब पहला और तीसरा हमारे पास गलत हो गया। अब इसके साथ आई के साथ वो जाता है या वो रहता है? आई के साथ वो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 पूरी तरह से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द कैट ड्रैंक द मिल्क। कैट ड्रैंक द मिल्क, तो इसमें ड्रैंक कौन सी फॉर्म है फ्रेंड्स? सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब लगाना है। देखो ऑप्शन में सभी में वॉज वर्ब दे रखे हैं। दूसरी बात, बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो बाय ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है। बाय द कैट इसमें पहले में है, बाय द कैट तीसरे में है, तो इसका मतलब है दूसरा चौथा आउट हो गया। अब देखो मिल्क एकवचन है बहुवचन है? मिल्क सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ वर या वॉज, तो सिंगुलर के साथ वॉज आता है, तो एक भी ख़त्म हो गया, 2 और 4 पहले ख़त्म थे, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत। नेक्स्ट है हमारे पास ही विल फ्लाई ए काइट। देखो मॉडल आता है, सेल विल आता है, तो बी जुड़ेगा, तो बी इसमें भी जुड़ रहा है, इसमें भी जुड़ रहा है, इसमें नहीं जुड़ रहा है, ये पहले ख़त्म हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है? ही का बाई हिम लगेगा, ही का बाई हिम, तो बाई हिम किस में है? इसमें बाई हिम है, इसमें नहीं है, तो ये भी ख़त्म हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरह से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट हमारे पास आता है सी विल नॉट बीट मी। तो विल आ गए, विल आ गए, तो आपके माइंड में आना चाहिए, क्या आना चाहिए माइंड में कि हमारे पास क्या होगा यहाँ पर? सी विल नॉट बीट मी, तो इस सेंटेंस में हमारे पास देखने की बिंदु है कि विल आ गया तो बी ज़रूर आएगा, तो पहले ऑप्शन में बी है क्या? नहीं है। दूसरे में भी बी नहीं है, तीसरे में, चौथे में है। सी का ऑब्जेक्ट बाई हर होता है, तो इसमें तीसरे में बाई हर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये विल आ गया तो विल भी ठीक है, विल बी या सेल बी होगा, ठीक बात है, तो विल और सेल, तो बी लगेगा बी, लेकिन आई वी के साथ सेल लगता है, पता होना चाहिए आपको। तो पहले में विल लगा हुआ है गलत, तीसरे में विल लगा हुआ गलत, दूसरे में सेल लगा हुआ, ये सही हो गया आपका, और इस तरीके से आपका ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, तो आपको देखना है कि शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, तो हमें देखना है कि शैल विल आ रहा है तो बी तो जुड़े जुड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या इसमें? ऑब्जेक्ट आपके पास सिंपल सा है, दोज हैप्पी डेज हैं, और दोज हैप्पी डेज के साथ शैल या विल आएगा, और फिर सेल विल के साथ क्या जुड़ता है? बी जुड़ता है। अब इस सेंटेंस में आप देखो, पहले में दोज हैप्पी डेज के साथ सेल आ ही नहीं सकता, दोज हैप्पी डेज विल तो आ गया लेकिन इसमें बी नहीं जुड़ा, इसका मतलब ये भी गलत। तीसरा विल भी है और बी भी है, तो इसका मतलब ये हमारे पास सही जवाब, ये हमारे पास कैसा जवाब है? सही जवाब। नेक्स्ट पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन विल ही गिव अप हिज स्टडीज। विल आ रहा है तो सेल विल के साथ भी जुड़ेगा, और इसमें हिज स्टडीज ऑब्जेक्ट है, इसका हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा, तो देखो
ऑप्शन नंबर एक हिज स्टडी विल भी आ गया, यानी ये हमारे पास सिस्टमेटिक नहीं है, ये जो विल हेल्पिंग वर्ब है ये इससे पहले जुड़ती। तीसरे में वैन विल हिज स्टडीज, इसमें बी नहीं दिया हुआ है, बिना बी के है, ये बी होता, ये भी गलत। दूसरे में वैन विल भी आ गया और ये बी भी आ गया, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका दो होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट आता है आपके पास व्हाट वेयर विल सी कीप हर क्लॉथ्स। तो विल आ गया, तो विल में देखो पहले बात तो पहला ऑप्शन में विल ही नहीं है, दूसरे में विल भी है, ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक वाक्य में डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब है वो भी नहीं है, तीसरे में वेयर विल हर क्लोथ्स, तो आपका आंसर सही हो गया तीन नंबर। नेक्स्ट है वी शैल टीच हिम ए लेसन, तो इसमें हमारे पास सेल विल आ रहा है तो बी जुड़ेगा, हिम का ही हो जाएगा, ठीक बात है, और विल भी हो गया, टोट हो गए लेसन बाई, ये भी करेक्ट बात है, ये लेसन से बनाया तो ये लेसन विल बी टोट टू हिम बाई, ये भी ठीक है, तो हमारा जवाब हुआ दोनों। इज रनिंग ए रेस, तो ये रेस से हम इसको करेंगे शुरुआत, रनिंग आ रहा है, आई एन जी आ रहा है, तो इसमें बींग जुड़ेगा, बींग ऑप्शन किस में, केवल और केवल, केवल और केवल एक में ही है, और वो है आपका ऑप्शन नंबर एक। सुनील इज नॉट वाटरिंग, वाटरिंग आ रहा है, आई एन जी आ रहा है, तो बींग जुड़ेगा, ये ऑप्शन देख लो आप, तो आपके पास बींग पहले में है नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं, तीसरा ऑप्शन हो गया। आर दे सिंगिंग, सिंगिंग में आई एन जी आ रहा है, बींग जुड़ेगा, पहले में जुड़ रहा है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में, आप पहले और चौथे में से देखना है, पहले और चौथे में से, पैसे में थर्ड फॉर्म लगती है, तो पहले में सिंगिंग है नहीं है, चौथे में संग है, तो ये लो। व्हाट इज़ मोहन डूइंग, आई एन जी आ रहा है, तो इसमें बींग तो जुड़ेगा, पहले में व्हाट इज डन गलत है, व्हाट इज बींग है, व्हाट वॉज डन, तो ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो गया। कौन सा सही हुआ आपका, ऑप्शन नंबर दो।